राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दबंगों का कहर, पत्रकार पर ऐसा ही मामला देखने को मिला। जनपद आगरा के तहसील फतेहाबाद की थाना नेवरा ग्राम बिहारी में पूर्व प्रधान हरिप्रसाद किशन प्रसाद अन्य उसके साथी द्वारा विद्यालय रास्ते को जोड़कर अपनी जमीन में मिला लेता है। जब इसका विरोध किया तो पत्रकार को पड़ा भारी। जिला आगरा के तहसील फतेहाबाद थाना निवोरा के ग्राम बिहारी में पूर्व प्रधान हरिप्रसाद किशन प्रसाद शनाप वर्दी प्रसाद हमारे घर के सामने सरकारी विद्यालय को जो रास्ता है उस रास्ते को हर बार जोत लेता है। सुरेश मना करने के पर सुरेश विकलांग के साथ मारपीट करता है। सर आपको क्या नाम है? मेरा नाम आरपी सिंह चौहान है। आप कौन सी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं? मेरी ग्राम पंचायत बिहारी है, छोटा भाई पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें जो पंचायत में अभी जो एक मुद्दा चल रहा है जमीन को लेकर के जो सरकारी विद्यालय, उसमें आप क्या कहेंगे? सरकारी विद्यालय की जमीन का चक्रोड़ का मामला है और दो लोग हैं हरप्रसाद और वो किशन करके, किसुना है किसुना कहते हैं उसे, तो उन लोगों ने उसको जोत रखा है। एक हमारे पंडित जी है विकलांग है बेचारे, सुरेश शर्मा है, उन्होंने उसे शिकायत की होगी तो उन्हें मारा पीटा भी है, धमकी भी देते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने की होगी कहीं, अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये है कुल मिला के बहुत अन्याय हो रहा है। सरकारी जमीन मतलब उन्होंने तो स्कूल के लिए जगह भी दी है, उसके बाद भी उनके रास्ते को जोतना, ये कहाँ का न्याय है? तो अब प्रशासन से आप क्या गुजारिश करेंगे? प्रशासन से चाहेंगे न्याय हो उसमें, उनको दोषियों को कार्रवाई हो उनके खिलाफ।